एमबीए करना है उसके लिए पीसीएम जरूरी है, मेरे पास नहीं था। तो ऐसे था, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो था। बट जब यहाँ आए तो पहले सारे टीचर्स के स्वभाव से बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं वो हमारे लिए, तो जिस हिसाब से वो तैयारी करवा रहे हैं उस हिसाब से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, अब तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। तो बेटे आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम रशिता है, मैं नाबे से बिलोंग करती हूँ, प्लस टू पास स्टूडेंट। आपके सब्जेक्ट के बैकग्राउंड क्या थे? सर मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से थी, मेरे पास मैथ फिजिक्स बायोलॉजी कुछ नहीं था। तो जब आप डीसीजी ग्रुप के साथ जब जुड़ गए तो फिर इन सब्जेक्ट्स के उसको इनटेक, इन सब्जेक्ट्स को इनटेक देने के लिए आपने क्या क्या प्रयत्न किए, अपने आप में आपने कैसा अपना हौसला बढ़ाया? सर पहले पहले तो मुश्किल हुई थी जब मैंने केवल सब्जेक्ट किए, फिर उसके बाद जो टीचर थे उन्होंने एक्स्ट्रा क्लास लगा के भी मुझको कराया और डाउट्स क्लियर किए, जिससे मुझे और अच्छा लगने लगा और सब्जेक्ट में मुश्किल नहीं हुई। तो आपके जो बेसिक एलिमेंट्री जो डाउट्स थे इस सब्जेक्ट में वो कितने हद तक आप मुझे परसेंटेज वाइज बता सकते हैं कि कितने रिजॉल्व हो गए जो एलिमेंट्री या बेसिक आपके प्रॉब्लम्स थे इन सब्जेक्ट्स में? सर जैसे मैथ था, मैथ में मैंने नहीं था मेरे पास पिछले बैकग्राउंड में, अब मैंने मैथ किया, पहले तो मुश्किल हुई, फिर जो मुझे डाउट थे ना सर एक्स्ट्रा क्लास लगाते थे शाम को, फिर वो डाउट्स मेरे शाम को क्लियर कर देते थे, फिर मुझे समझाने लगते थे। अभी आज के डेट पे आपकी परफॉर्मेंस इन सब्जेक्ट में कैसी है? अच्छी है, पिछले बैकग्राउंड से तो अच्छी है। तो आपको जो टीचर्स प्रदान किए थे आपको उनके पढ़ाई आपको प्रदान करने में कोई दिक्कतें नजर आ रही है? नो सर, टीचर तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाया हुआ भी समझ आता है। अच्छा, तो अभी आपका जो कॉन्सेप्ट है आपके करियर के लिए जो आपने कॉन्सेप्ट देखा था, आपको लगता है कि कॉन्फिडेंटली आप एंट्रेंस एग्जाम में उत्तीर्ण हो जाओगे अच्छे मार्क्स से? यस सर, लगता हो जाएगा। बेटे आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम किया है और मैं यहाँ बलोच से ही बिलोंग करती हूँ और मेरा बैकग्राउंड पीसीएम से था। तो पीसीएम में जब आपने अपने कॉलेज में पढ़ा था और हमारे टीचर्स जो डीसीजी में पढ़ाते हैं, आपको क्या अंतर नजर आया? सर ट्वेल्थ में मेरे मार्क्स कम आए थे तो उनको इम्प्रूव उनको देखते हुए तो यहाँ की पढ़ाई बेटर है स्कूल से, और कोरोना के कारण मैं पढ़ नहीं सकी। अच्छा। ऑनलाइन क्लासेस थी। आपकी कुछ समस्या ऐसी थी कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स में जो आपको बिल्कुल एलिमेंट्री या बेसिक आपके बिल्कुल कमजोर थे और यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी मिली या जानकारी मिली? यस सर, केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायो। अच्छा, बायो तो है नहीं था मेरे पास, यहाँ पे आके वो भी क्लियर हो गया सर। अच्छा, अब आने वाले दिनों में जो आप एग्जाम के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हो, आपको डीसीजी ग्रुप के मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से कैसा लगा यहाँ का वातावरण पढ़ाई का? yes. और आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कितना बदलाव आ गया, आप कुछ बता सकते हैं? सर कॉन्फिडेंस तो पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा है, कॉन्फिडेंस सही है मेरा सर, और टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, खासकर सर नरेंद्र सर पॉलिटी। okay. यस सर, वो मतलब बच्चों के साथ अच्छा इंटरेक्ट करते हैं, मैथ्स वाले सर एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं ताकि बच्चों के डाउट्स क्लियर हो सके, यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं सर। आपको क्वेश्चन आंसर्स इंटरेक्शन आपके टीचर्स के साथ होता है? यस yes. कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपने कुछ पूछा और आपको सही जवाब नहीं मिला या इनएडिक्वेट जवाब मिले, ऐसा कभी कुछ? नो सर। तो सहयोग दोनों तरफ से था, आपका इन्वॉल्वमेंट भी था और डीसीजी ग्रुप के जो टीचर्स हैं yes. उन्होंने भी आपको सही तरीके से जो भी विजन प्रदान करना था वो कर रहा। yes. आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सर रमनजोत कौर है और मैं आर्ट्स ग्रुप से हूँ और मैं लुधियाना से हूँ। मैं सर आर्ट्स ग्रुप से थी और यहाँ पे लाइक मैथ्स बायोलॉजी फिजिक्स ये सबसे सब्जेक्ट्स लिए मैंने, सो प्लस वन प्लस टू में तो ये सब्जेक्ट्स मेरे पास नहीं थे। तो अब आपको फिजिक्स में और मैथ्स में आपके नॉलेज में कितना बदलाव आ गया, आप बता सकते हैं कुछ? सर मैथ्स और फिजिक्स का ऐसी है कि मैम और सर ने दोनों ने ना बेसिक से शुरू करवाया है, तो ऐसे था पहले नॉलेज नहीं थी मेरे को मैथ्स और फिजिक्स के बारे में, बट अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है बिकॉज मैम और सर ना बेसिक से करवाते हैं तो समझ आता है हमें सर।
तो आप अभी कॉन्फिडेंट है बिल्कुल कि आने वाले एग्जाम में आप इन सब्जेक्ट में अच्छी तरह कर पाओगे? अच्छा, अभी आप मुझे बताइए कि टीचिंग स्टाफ में और स्टूडेंट में आप दोनों का रैपो कैसा है, यानी इंटरेक्शन कैसा है, और आप क्या चाहते हो, कुछ सजेशन और दे सकते हो कि हमें और भी इसमें कुछ बदलाव लाने चाहिए ताकि आपका भविष्य और भी उज्जवल हो? सर, सजेशन तो ऐसा है कि पहले सब बहुत अच्छा चल रहा है, बिकॉज जैसे जैसे बच्चों को चाहिए होता है, जिस चीज़ के लिए ज़्यादा, जैसे मैथ्स के लिए होता है, उस हिसाब से ना क्लासेस लग रही हैं, तो एक्स्ट्रा क्लास हर सब्जेक्ट की लगती है, जैसे फिजिक्स भी हो गया, मैथ्स भी हो गया, जो भी डाउट होता है तो वो ना डाउट सेक्शन में क्लियर हो जाते हैं। तो वैसे बच्चों का ऐसा टीचर्स का बहुत अच्छा है, वो ऐसे नहीं है कि हम कोई डाउट है हमें, हम डर रहे हैं सर भी पूछना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। जो भी हमें डाउट होता है हम डायरेक्ट पूछते हैं और टीचर वो क्लियर करता है, जितनी बार भी हम मर्जी पूछें कभी टीचर ने मना नहीं किया भी हाँ नहीं बताना ये ऐसे है, नहीं, हमेशा उन्होंने अच्छा जवाब दिया है। तो टीचर्स स्टाफ बहुत अच्छा है और बच्चों के साथ टीचर्स बहुत अच्छे से रहते हैं। अच्छा, अब मैं जैसे आप तीनों विद्यार्थियों को ये पूछना चाहूँगा कि आपका जो आने वाले समय में जो अभी एग्जाम होने वाला है, यस सर, आपको क्या लगता है कि आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अब तक कितना है और पहले कितना था? पहले सर ऐसे था कि पहले तो बहुत डाउन था, क्योंकि ऐसे था कि एनडीए करना है, उसके लिए पीसीएम जरूरी है, मेरे पास नहीं था, तो ऐसे था, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो था। बट जब यहाँ आए तो पहले सारे टीचर्स के स्वभाव से बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बहुत मेहनत कर रहे हैं वो हमारे लिए, तो जिस हिसाब से वो तैयारी करवा रहे हैं उस हिसाब से कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, अब तो बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। दूसरी बात ये जानना चाहूँगा कि मैं अभी आपके जो मंडे से फ्राइडे जो आपको वीकली पढ़ाया जाता है अलग अलग सब्जेक्ट्स, yes, yes. आपके जो क्वेश्चन पेपर्स आपको फ्राइडे को जो प्रदान किए जाते हैं टेस्ट के माध्यम से, yes, sir. आपको डिफिकल्टी लेवल कैसे लगते हैं उन पेपरों में और आपका उसमें किस तरह का परफॉर्मेंस रहा है? सर डिफिकल्ट तो नहीं लगता, उसे जैसे हम वीक में करते हैं, जो टीचर पढ़ाते हैं उसे हम ध्यान से सुनते हैं, फिर डिफिकल्ट तो नहीं लगता, वो सॉल्व हो जाता है आसानी से जो हम सुनते हैं। तो आपकी प्रोग्रेस आप मॉनिटर खुद कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रोग्रेस हो रही है वीकली वाइज बेटर देन द प्रीवियस वीक, एंड उसके यस यस साइकिल चलता है, फिर आपको लगता है कि आपकी प्रोग्रेस ऊपर की तरफ ही जा रही है? यस सर। So very nice, and I wish you all the best for your future. Okay? Yes, sir. Do well in your studies and concentrate, be focused, that's yes, most important. Yes, sir. And BCG group is always very eager to give its best to its students. Yes, sir. In the form of your education. Yes. And we all wish that you have a very bright career in whatever dreams you have thought about, or your ambition and your desire. I hope it all gets fulfilled. We being the basic strength and pillar for your education, I wish all your children the very best in your future, right? Yes. And my only request is be focused, don't deviate from that, so that you know that your future lies ahead, it is bright, and you have to acquire it, and there is no substitute for hard work. Yes. Okay, remember our promise. Yes, sir. Thank you so much. Thank you, sir.